खबर। सात आतंकियों ने नेपाल के रास्ते यूपी में की है घुसपैठ। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं आतंकी। यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को अलर्ट पर रख दिया है। नेपाल के रास्ते घुसे हैं सात आतंकी। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश की खबर सूत्रों के अनुसार मिल रही है। अयोध्या पर फैसले से पहले साजिश रची जा रही है। नेपाल के रास्ते घुसे हैं सात आतंकी। अयोध्या में आतंकी हमले की रची जा रही है साजिश। सात आतंकियों ने नेपाल के रास्ते यूपी में की है घुसपैठ। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं आतंकी। यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को किया है अलर्ट। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश की खबर मिल रही है सूत्रों के अनुसार। आपको बता दें अयोध्या पर फैसले से पहले साजिश रची जा रही है। नेपाल के रास्ते घुसे हैं सात आतंकी। अयोध्या में आतंकी हमले की रची जा रही है साजिश। सात आतंकियों ने नेपाल के रास्ते यूपी में घुसपैठ की है। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं ये आतंकी। यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिल रही है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को अलर्ट पर रख दिया है। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश की खबर सामने आई है। सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है। अयोध्या पर फैसले से पहले साजिश रची गई है। नेपाल के रास्ते घुसे सात आतंकी। अयोध्या में आतंकी हमले की रची जा रही है साजिश। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश की खबर सामने आई है। सूत्र के अनुसार ये खबर मिली है। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं ये सात आतंकी। आपको बता दें सात आतंकियों के ग्रुप में कई पाकिस्तानी आतंकी भी हैं। ग्रुप में से पांच आतंकियों की पहचान यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को अलर्ट पर कर दिया है। अयोध्या फैसले पर से पहले साजिश रची जा रही है। नेपाल के रास्ते घुसे हैं सात आतंकी। अयोध्या में आतंकी हमले की रची जा रही है साजिश। सात आतंकियों ने नेपाल के रास्ते यूपी में की है घुसपैठ। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं आतंकी। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को अलर्ट पर कर दिया है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को अलर्ट पर कर दिया। यूपी में बड़ी आतंकी और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं दिल्ली से। अमित, सात आतंकियों की घुसने की खबर मिली है यूपी में और पुलिस को अलर्ट पर भी रख दिया गया है। क्या कुछ आपके पास पूरी जानकारी, आपसे जानना चाहूंगी। यूपी में बड़ी आतंकी साजिश की खबर मिल रही है। अयोध्या पर फैसले से पहले साजिश रची जा रही है। नेपाल के रास्ते घुसे हैं सात आतंकी। अयोध्या में आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। सात आतंकियों ने नेपाल के रास्ते यूपी में की है घुसपैठ। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं ये आतंकी। यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अनूप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि सात आतंकी ने यूपी में घुसने का प्रयास किया है, और क्या कुछ आपके पास जानकारी है, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से खुफिया एजेंसी को जानकारी मिली है कि नेपाल के रास्ते से आतंकवादी घुसने की कोशिश कर रहे थे। फिलहाल एसपी अभी सभी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है
क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हालात चल रहे थे, इस समय खासकर बात करें तो राम मंदिर मामले पर फैसला आना है, तो ऐसे में एक सुरक्षा बरतनी, ऐसे में आतंकियों को घुसना एक बड़ी साजिश हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां उनको अलर्ट कर दिया गया है, उनकी जो पैकिंग है वो स्टार्ट कर दी गई, सब चाहे NIA हो या फिर SDF हो, इन सबको यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों से लगाया गया। खुफिया एजेंसी भी इस मामले पर तहकीकात कर रही है कि वो जो आतंकी है कहाँ से आ रहे थे, किसकी उस पर आ रहे थे और कहाँ उनका क्या निशाना है। तो ये सब चीजों को लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी हो चुका है। अब देखना होगा कि ये जो आतंकी हैं कहाँ अपनी सह और ठिकाना और क्या उनकी मंशा है, इस पर पुलिस कितना कामयाब हो पाती, सुरक्षा एजेंसियां कितना कामयाब हो पाती, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी अनु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमित, अयोध्या फैसले से पहले यूपी में बड़ा आतंकी हमले का खतरा मंडराने लगा है, 7 आतंकी नेपाल के रास्ते से आए हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? सात आतंकियों ने नेपाल के रास्ते यूपी में किया है घुसपैठ। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं ये आतंकी। यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को किया है अलर्ट पर, सभी को अलर्ट पर रखा गया है और लगातार इसको लेकर कई फ्लैग मार्च भी किए गए, सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब एक बार 7 आतंकियों ने नेपाल के रास्ते से घुसने का प्रयास किया है, जिसको लेकर खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है। नेपाल के रास्ते से घुसे हैं ये 7 आतंकी। अयोध्या में आतंकी हमले की रची जा रही है साजिश। अयोध्या फैसले से पहले आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। 7 आतंकियों ने नेपाल के रास्ते से घुसने का प्रयास किया। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं ये आतंकी। यूपी में घुसने का खुफिया विभाग को इनपुट मिला है। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को किया है अलर्ट। अयोध्या और गोरखपुर में छिपे हो सकते हैं ये आतंकी। यूपी में बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही है। अयोध्या पर फैसले से पहले साजिश रची जा रही है। नेपाल के रास्ते घुसे हैं 7 आतंकी। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, 7 आतंकियों ने नेपाल के रास्ते घुसने का प्रयास किया। अयोध्या फैसले से पहले यहां पर बड़े आतंकी हमले की साजिश की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, साफ तौर पे क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो रास्ते हैं वो आतंकियों से घुसने के लिए लगभग में बंद हो चुके हैं और यही वजह वहाँ पे पहला अलर्ट पे आतंकी वहाँ से नहीं घुस पा रहे, तो नेपाल बॉर्डर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नेपाल बॉर्डर से पहले भी 3 आतंकी घुसने की खबर थी, रिसेंटली 7 आतंकियों के घुसने की खबर है। और ऐसे में ये आतंकी घुसे हैं जबकि अयोध्या से लेके बड़ा फैसला आने वाला है, तो आतंकी अपनी गतिविधि को अंजाम जा रहे हैं। रूपा जाति के लिए खुफिया अलर्ट यूपी पुलिस में मिला जो होगा SDF की बात करेगा, यूपी पुलिस रास्ते लगातार जो है वॉलंटियर करती है। और इस तरह से यूप का एक आतंकी जम्मू कश्मीर में पकड़ा गया और उसके पास बल्कि पाकिस्तान में कई सारी चीजें मिली है, तो इससे पता चल रहा है कि लगातार आतंकी कहीं ना कहीं इसका दुपहर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। और क्योंकि अभी तक जो है पुलिस और सेना जिस तरह से मुस्तैद है, किसी भी बड़ी घटना पर अंजाम नहीं दे पाए हैं और यहाँ तक उनके पास हथियारों की कमी भी दर्ज की गई है। ऐसा सूत्रों का मानना, सेना खुद लगातार इस बात को कह रहे हैं, अब युग को इस तरह बनाना चाहते हैं और यही वजह है कि अयोध्या के डिसीजन से पहले नेपाल बॉर्डर से जो आतंकी घुसे उन्हें लेकर खासतौर से गोरखपुर हो अयोध्या हो वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा बढ़ाया गया है। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन सभी जानकारी के लिए। खुफिया एजेंसियों ने यूपी पुलिस को किया है अलर्ट। यूपी में बड़े आतंकी साजिश की खबर आ रही है, सूत्रों के अनुसार ये खबर मिली है। अयोध्या पर फैसले से पहले साजिश रची जा रही है। दिल्ली से बड़ी खबर आप